हम वापिस जाने वाले हैं कनाडा। सो आज सुबह सुबह सबसे पहले मम्मियों ने मनसा देवी मत्था टेकने के लिए आए थे, तो हमने उनको बोला हमसे मिलते जाना रास्ते में, उनसे सबसे पहले हम मिले। टेंशन नहीं लेने हैं, ठीक है। A few moments later. उसके बाद पहुंचे हम हेयर सैलून में। एक्चुअली मुझे हेयर्स का ट्रीटमेंट करवाना था, बहुत ज़्यादा रफ हो चुके थे, तो सोचा जब इंडिया जाएंगे तब करवाऊंगी। तो यहाँ पे फिर मैंने हेयर ट्रीटमेंट करवाया, थोड़े बाल मेरे सही हुए। आप देख सकते हो कितना बुरा हाल हो रखा था मेरे बालों का। उसके बाद हम गए मार्केट, हमने थोड़ा स्टफ़ लेना था कनाडा जाने के लिए, तो फिर हमने शॉपिंग के लिए निकले। सो हमने थोड़ी शॉपिंग की फॉर कनाडा। जब हम आए थे एक्चुअली कनाडा से इंडिया, तो हमें एक दिक्कत बहुत आई थी, वो थी स्ट्रॉलर की। एक्चुअली हमारा जो स्ट्रॉलर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो वो लगेज के साथ ही उन्होंने रख लिया था, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो हमने सोचा कि चलो जाते हुए हम कैबिन वाला ले जाते हैं स्ट्रॉलर, बट फिर हमारा जो प्लान था वो ड्रॉप हो गया। द रीज़न यही था कि ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रॉलर है, अगर हमने ले भी लिया तो वहाँ पे जाके वेस्ट हो जाएगा। फिर हमें लगी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने खाया मैकडोनल्ड का आलू पेटी बर्गर। तो फिर हम पहुँचे घर पे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया हमने घर पे। एक्चुअली थोड़ा सैड भी फील कर रहे थे कि कल जाना होगा, स्पेशली फॉर मिहाना। एक्चुअली उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इंडिया के, बहुत तबीयत भी उसकी थोड़ी ख़राब रही, बट फिर भी इतना घूमना फिरना कहाँ कनाडा में मिलता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा फील हो रहा था कि ये बहुत ज़्यादा मिस करेगी, जो कि वो कर भी रही है। तो उसने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया इवनिंग में, बाहर मौसम बहुत अच्छा था, तो थोड़ा हमारी मेमोरीज भी हमने ताज़ा की कि हम यहाँ पे खड़े होके बातें करते थे, यहाँ पे हम डिसीजंस भी लेते थे कि हमने कभी टेंशन होती थी तो यहाँ पे खड़े हो जाना, नीचे देखना बच्चों को खेलते हुए, व्यू बहुत अच्छा आता था, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे। फिर सबसे मुश्किल काम आ जाता है पैकिंग वाला, हमें बहुत मुश्किल काम लगता है क्योंकि पैकिंग करना इजी नहीं है। ये जो स्ट्रॉलर है, ये स्ट्रॉलर नहीं सॉरी लगेज है, जो ये हमने छोटा सा हमारे बेबी के लिए लिया था कि चलो स्ट्रॉलर का हम स्किप कर देते हैं, ये ले लेते हैं, इसमें सामान भी आ जाएगा और यूज़फुल भी है, और बेबी इसमें इसके साथ थोड़ा खेलेगा तो सही रहेगा। तो जब पैकिंग का मैंने आपको बताया कि टफ़ होता है, बिकॉज़ हमारा आप लगा लो 13 to 15 kg जो हमारे फ्रेंड्स का सामान था, और फिर भी हमें ऐसा हो रहा था कि सभी का पूरा सामान नहीं लेके जा पाए, बट होता भी है, हम भी 3 जने थे, इतना ज़्यादा स्टफ़ नहीं उठा पाते, तो पैकिंग वाला भाई बड़ा टफ काम था। इवन जाते जाते भी हमारा काफ़ी ज़्यादा हम पैकिंग करते रहे, हमारा खुद का स्टफ़ बहुत ज़्यादा इंडिया में ही रह गया। Tomorrow. सो नेक्स्ट डे सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया, मम्मी खाना बना रहे थे। एक्चुअली बड़ा मिस करेंगे मम्मी के हाथ का खाना, मम्मी के हाथ के परांठे। तो हमने पहले नाश्ता किया मॉर्निंग में, सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे थे कि वापस जा रहे हैं, स्पेशली दादू दादी मियाना के। A few minutes later. तो उसके बाद हम मार्केट में निकले। इवन हमने उस दिन वापस कनाडा जाना था, हमारी फ़्लाइट थी, बट हमारे काम ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने सूट दिया था सिलने के लिए, तो वो हमने पिकअप करना था। उसके बाद मैंने हेयर वॉश करवाने थे, बट जो मेरा फेस बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि जो टेलर बोल रहा है कि अभी तक रेडी नहीं है। तो फिर मैं सैलून गई, वहाँ पे वॉश करवाने थे हेयर, जो कल केराटिन ट्रीटमेंट करवाई थी तो उसके लिए। तो ये था उसका फाइनल लुक, काफ़ी अच्छे हो गए थे हेयर्स देख के, अच्छा लगा कि चलो जान सी आई बालों में, कुछ तो सही लग रहा है। इधर मिहाना की मस्ती ख़त्म नहीं हो रही, दादू के साथ पूरी मस्ती चल रही है।